डिजाइन बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक एंड स्टैंडर्ड बॉडी के साथ आता है। पूरा वॉच आप देख सकते हैं पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। अब इसके अंदर ही कुछ प्रीसेट वॉच फेस दिया है, इसके ऊपर अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो एक एक करके सारे आप देख सकते हैं। इसके लिए कोई ऐप आपको डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आप जिसको चाहो ऐसे ही सेट कर सकते इसके ऊपर। ऐसे अगर आप प्रेस करते हो तो ये सेट हो गया। नेक्स्ट ऐसे अगर आप स्वाइप अप करते तो फुल मेनू ऐसे हमें हनीकॉम स्टाइल में देखने को मिलता है। देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, थोड़ा सा स्लो है, जैसे इंस्टेंटली फास्ट काम ये नहीं कर रहा है। ये पे फास्ट ही मिलता है सेटिंग्स, वेदर एंड कॉल। कॉलिंग एक्सपीरियंस कैसा है बाद में आपको लाइव कॉल करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट ये पे टाइमर दिया है, 1, 3, 10 का आप टाइमर लगा सकते हैं एंड इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए ब्रीदिंग ऐसे ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया मेडिटेशन के लिए काम में आता है। नेक्स्ट ये पे दिया है वर्कआउट टैब, इसके अंदर आप देख सकते हैं वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग एंड बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तो फायरबोल्ट का एक काम मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, स्पोर्ट्स मोड के ऊपर बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है। तो जैसे मैं एक बार स्क्रॉल कर रहा हूं आप देख सकते हैं कितना ज्यादा फास्ट तरीके से एक ही बार में ये ऊपर आ गया। स्टेप काउंट बहुत ही एक्यूरेटली हो जाता है। तो एक चीज मैं कह सकता हूं, स्पोर्ट्स मोड के ऊपर अगर आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रहे हो तो फायरबोल्ट की तरफ आप जा सकते हैं। स्पोर्ट्स मोड के ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही ध्यान से कर रहा है ये लोग। नेक्स्ट आता है SPO2, ये भी हम बाद में टेस्ट करेंगे। उसके बाद कॉल लॉग, सेम ही दिखने वाला ये स्टॉप वॉच। लास्ट नाइट स्लीपिंग डेटा देखने के लिए ऐसे ही आप शॉर्टकट में देख सकते हैं, आपको ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब बीच का ये जो क्लॉक बटन है मेन इंटरफेस के अंदर शिफ्ट कर देता है तो आपको फिर से स्वाइप इन करना पड़ेगा, तो ये ऐसे काम कर लेता है। AI वॉइस असिस्टेंट, एंड्रॉइड में गूगल असिस्टेंट या एप्पल सीरी के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। वेदर अगला ये आप देख के ही समझ सकते हैं, पावर ऑन ऑफ बटन है, तो इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तब भी ये शॉर्टकट आ जाता है। कॉन्टैक्ट्स के लिए यहाँ पे शॉर्टकट दिया है जो मोबाइल ऐप के साथ सिंक भी हो जाता है। कुछ फेवरेट कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे ऐड भी हो जाता है। ये वाला कोई GPS नहीं है, फाइंड फोन का आइकॉन है तो फोन रिंग करने लगता है। स्पोर्ट्स मोड के अंदर एक्टिविटी कितना कैसा हुआ है सब कुछ ये एक्टिविटी टैब के अंदर दिख जाएगा। नोटिफिकेशन के लिए बहुत सारे ऐप वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड सारे मैसेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। 3 गेम इसके अंदर दिया है, 2048, थंडर बैटलशिप, तो ऐसे आप फायर कर सकते हैं एंड ये जो बॉम्ब ऊपर से गिरने वाला है इससे आपको बचना है। स्लाइटली स्लो है, उतना भी ज्यादा फास्ट नहीं है, बट ये अच्छा खासा टाइम पास आप कर सकते हैं। सबसे लास्ट यंग बर्ड, गूगल क्रोम के अंदर जैसा हमें कुछ मिलता है यहाँ पे भी कुछ दिया है। हार्ट रेट अलार्म, ये है म्यूजिक कंट्रोल का इंटरफेस, कुछ ऐसा दिखता है। वॉल्यूम भी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं एंड इस आई बटन के अंदर फुल डिवाइस के इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाता है। इंटरफेस के ऊपर बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। लेफ्ट राइट स्वाइप अगर आप करते हैं तो ऐसे आप कॉम्पोनेंट्स विजेट एड कर सकते हैं एंड बहुत कुछ स्टेटिक्स डेटा आप देख सकते हैं। अपना कस्टम लेफ्ट राइट स्वाइप आप बना सकते हैं, लाइक मैंने ये एक्टिविटी टैब एड कर लिया। नेक्स्ट हार्ट रेट डेटा, तो अभी अगर मैं लेफ्ट राइट स्वाइप करूँ तो कुछ हमें ऐसा कस्टमाइज मिलता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, मोबाइल के अंदर जैसा राइट स्वाइप करने पर मेनू निकल आता है, यहाँ पे भी कुछ मेनू दिया है। तो जो भी शॉर्टकट हमें मेन मेनू के अंदर देखने को मिल गया है ऐसे भी आप सिलेक्ट करके शॉर्टकट एक्सेस कर सकते हैं। और यह है इसका नोटिफिकेशन मेनू, देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है, एप्पल जैसा फील आ रहा है। ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा ब्राइटनेस हमें आउटडोर के अंदर भी देखने को मिलता है, बट इसको आप ऐसे इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही बटन पे काम करना पड़ेगा। प्रीसेट टाइमर, 1, 3, 5, 10, 15, 30, फोन कॉल ऑन करने के लिए ऐसे ही आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड अभी सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, फर्स्ट ही मिलता है डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर ब्राइटनेस, ऑटो स्लीप, वॉच फेस एंड मेनू व्यू। ऑटो स्लीप के अंदर आप 5, 10, 15, 20, 30 सेकंड तक मैक्सिमम इंटरफेस ऑन रहेगा। वॉच फेस में वही कुछ सिलेक्टेड वॉच फेस दिया है। एंड अगर आपको हनीकॉम स्टाइल पसंद नहीं है तो मेनू व्यू के अंदर आप लिस्ट व्यू भी कर सकते हैं, जहाँ पे ऐसे लिस्ट व्यू आपको मिल जाएगा। ये बिल्कुल ही स्लो नहीं है, बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तो ऐसे अगर आप स्वाइप अप करते तो आपको हनीकॉम नहीं ऐसे लिस्ट व्यू मिल जाएगा। इसका आइकॉन इतना ज्यादा बड़ा है कि एप्पल जैसा फील दे रहा है। सच में इंटरफेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम किया है। नेक्स्ट ये पे डू नॉट डिस्टर्ब, लो पावर मोड, बैटरी बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है इसका आप यूज कर सकते हैं। वाइब्रेशन भी है और फोन कॉल ऐसे भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। फोन रीसेट सिस्टम के अंदर रीस्टार्ट, पावर ऑफ एंड रीसेट एंड अबाउट के अंदर वर्सन बगड़ा आप देख सकते हैं वही आई बटन वाला। तो पूरा वॉच का मेनू आपने देख लिया, क्या कुछ दिया है, कैसे काम होता है, कितने सारे मेनू इंटरफेस एंड फीचर्स मिलता है। जैसा हनीकॉम में थोड़ा सा स्लो आ रहा था तो ऐसे लिस्ट व्यू अगर आप करते तो अब मुझे बिल्कुल ही स्लो नहीं लग रहा है, बहुत ही ज्यादा फास्ट लग रहा है। इंटरफेस के अंदर ऑप्टिमाइजेशन में बिल्कुल ही बग नहीं है। तो आपको मैं रीसेट के बाद फर्स्ट टाइम सेटअप करके दिखाता हूं, ये डाफिट ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके अंदर अपने हिसाब से प्रोफाइल सेट कर लीजिए, बाय डिफॉल्ट दिया है। फुल इंटरफेस खुल गया, वॉच को ऐड कर सकते हैं। डिवाइस सिलेक्ट,
और ये हो गया सक्सेसफुली कनेक्टेड। इतना इजी प्रोसेस मैंने आज तक नहीं देखा। अब इसका मोबाइल ऐप इंटरफेस हम देख लेंगे कैसा है। बहुत ही ज्यादा सिंपल हमें विजेट देखने को मिलता है, ऐसे ही आप एक्सेस कर सकते हैं। सब कुछ स्टैटिक्स वगैरह यहाँ पे शो हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे वॉच टैब, वॉच सक्सेसफुली कनेक्टेड एंड 37% बैटरी यहाँ पे रिमूव करने का ऑप्शन भी है। यहाँ पे वही कुछ सिलेक्टेड वॉच फेस। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस स्मार्ट वॉच का मैं आपको दिखाई, तो इसके अंदर बहुत सारे वॉच फेस दिया है। बोट जैसे प्रोमोट करता है 100+ वॉच फेस दिया है, तो मुझे लगता है इसके अंदर उससे भी ज्यादा वॉच फेस दिया है। मैंने एक्चुअली गिना नहीं, बट जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे वॉच फेस मैं आपको दिखाई देती हूँ। एंड इसके डिजाइन आप देख लो, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम मुझे लग रहा है। मतलब डिजाइनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा काम किया गया है। तो ये सारे वॉच फेस आप देख सकते हैं, मतलब जिस भी जगह पे मैं रुकूं उसका डिजाइन आप देख सकते हैं कितना बढ़िया प्रीमियम डिजाइन यहाँ पे दे रहा है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए कितने सारे ऐप को आप परमिशन देना चाहते हो यहाँ पे दिया है। फेवरेट कॉन्टेक्ट के अंदर कुछ सिलेक्टेड कॉन्टेक्ट आप एड कर सकते हैं। अदर्स के अंदर जाके फाइंड डिवाइस, टाइम, फॉर्मेट, यूनिट, सिस्टम, डू नॉट डिस्टर्ब, कंटीन्यूअस हार्ट रेट डिटेक्शन, तो ऑटो हार्ट रेट डिटेक्शन भी ऐसे आप ऑन कर सकते हैं। कंट्रोल फोन म्यूजिक, ऐसे भी अलग से परमिशन देना पड़ता है। ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, बहुत सारे वॉच अलग से प्रोमोट करते हैं बट ये इसके अंदर ही दिया है। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक काम का चीज होता है हार्ट रेट वार्निंग, ये भी इसके अंदर दिया है। बॉक्स के अंदर मिलता है फास्ट वॉच, यूजर मैनुअल, गाना का ये 3 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान, वारंटी कार्ड, बोल्ट प्ले मेंबरशिप कार्ड, फ्री बुक माई शो वाउचर, लास्ट यूएसबी पोको चार्जिंग केबल। अगर आप एक मेटल वॉच ढूंढ रहे हो, ये मेटल नहीं प्लास्टिक बॉडी है, बट मैं ये कह सकता हूँ क्वालिटी के अंदर बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बहुत ही अच्छा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी का यह यूज किया है। हाथ में लेके देख के बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि ये मेटल वॉच नहीं है। एक जो प्रीमियम फील होता है वो इसको टच करने में आ रहा है। तो डिजाइन मुझे इसका बहुत ही ज्यादा सिंपल, मार्केट में जैसा वॉच होता है वैसा ही लगा, एक सिंपल मिनिमलिस्टिक डिजाइन। अभी SpO2 एंड हार्ट रेट टेस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा एक्यूरेट रिजल्ट हमें वॉच के अंदर देखने को मिलता है कि नहीं। फर्स्ट दोनों के अंदर SpO2 माप लेते हैं, तो रिजल्ट बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, दोनों के अंदर ही 98% शो कर रहा है। तो फायरबोल्ट निंजा कॉल प्रो में SpO2 में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके साथ ही हार्ट रेट भी माप लेते हैं, बहुत ही ज्यादा सिमिलर रिजल्ट है, 61 61, यहाँ पे भी 62 था और यहाँ पे भी 62 था। तो इस घड़ी के साथ SpO2 हार्ट रेट को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 1.69 इंच का HD डिस्प्ले दिया है, बेजल बहुत ही ज्यादा कम है। डिस्प्ले का कलर एक्यूरेसी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, जिसका कलर जैसा है उसी तरीके से शो हो रहा है, बट एक सैचुरेशन अच्छा खासा न्यूट्रल कलर मेंटेन कर रहा है। ब्राइटनेस रिलेटेड मुझे आउटडोर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सनलाइट के अंदर भी डिस्प्ले का ब्राइटनेस बिल्कुल ही मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, जिससे डिस्प्ले आप आराम से देख सकते हैं, इसके कलर एक्यूरेसी भी मेंटेन रहता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, ये एक प्रॉपर ब्लैक थीम के अंदर आ रहा है, तो स्क्रीन अगर ऑफ रहता है उस वक्त बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लुक देता है। अब बोट के साथ हमने जो किया था इसके साथ भी टेस्ट कर लेते हैं, एज ए ब्लूटूथ स्पीकर टेस्ट करके इसके अंदर स्पीकर दिया है। नोटिफिकेशन के अंदर जाके ये कॉल वाले फीचर को अगर आप ऑन कर देते हो, ब्लूटूथ के अंदर ये आप कनेक्ट कर लीजिए, अब मोबाइल से अगर आप कुछ भी प्ले करते हो तो यहाँ पे घड़ी के स्पीकर के अंदर सुनने लगेगा। कुछ भी वीडियो एंड म्यूजिक आप आराम से प्ले कर सकते हैं, बट ये अगर आप करते हैं बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन होने वाला है। अभी ये कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो इससे एक रियल कॉल टेस्ट करके देखते हैं। तो डायरेक्टली डायल पैड के अंदर वो नंबर मैं डायल कर लेता हूँ, नंबर हो गया डायल, अभी कॉल कर लेते हैं। जी मुझे एक जानकारी लेना है, बोट के वेबसाइट से अगर आप कुछ भी खरीदते हैं हम, तो क्या हम उसको रिटर्न कर सकते हैं? पर आपके ऑर्डर में 7 डे की रिप्लेसमेंट पॉलिसी होता है, जिसमें आपके ऑर्डर में अगर कोई भी टेक्निकल इशू आती है 7 दिन के अंदर जी, तो आप उसके में रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट डाल सकते हो। ओके, और ये कितने दिनों का रहता है पॉलिसी? और ये 8 से 12 दिन का प्रोसेस होता है सर। अभी मेरा आवाज आपको ठीक तरीके से सुनाई दे रहा है? जरूर सुनाई दे रही है सर। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। कॉलिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है, मैं जो बोल रहा था इंस्टेंटली और रिप्लाई कर रहा था। कॉलिंग के अंदर इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लॉन्ग टाइम कॉल के लिए अगर आप इसको यूज करते हैं बहुत ही ज्यादा बैटरी ड्रेन हो जाएगा। बिल्ड क्वालिटी बात करूं तो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम इसका बिल्ड क्वालिटी, मैंने इस प्राइस के अंदर प्लास्टिक के अंदर पॉलीकार्बोनेट ने ऐसा बिल्ड क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट बहुत ही ज्यादा प्रीमियम स्टैंडर्ड क्वालिटी से ये बनाया गया है। साइड में ये जो व्हील है ये मेटल का है, बट फुल बॉडी प्लास्टिक का दिया है। पीछे सेंसर एरिया का बंप उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, तो प्रेशर क्रिएट नहीं करता। मोस्ट इंपोर्टेंट, फिनिशिंग के अंदर किसी भी जगह पे ऐसा कुछ फिनिशिंग नहीं किया है जिससे अनप्रोफेशनल फील हो, चिप क्वालिटी का फील हो। तो ओवरऑल बॉडी फिनिशिंग का काम टॉप नॉच है। अब लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप इसको पहन के रखते हो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, 17 ग्राम इसका टोटल वेट आता है, तो मेटल ना होने का ये फायदा हमें मिल जाता है, एक लाइट वेट वॉच बन जाता है, दिन रात आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं। जो अगर मेटल हो थोड़ा सा हेवी हो जाता है, एक अच्छा खासा फील तो आता है बट थोड़ा सा हेवी होने की वजह से लॉन्ग टाइम यूज इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जबकि इसके अंदर नहीं आने वाला। सच में ये स्ट्रैप का क्वालिटी इतना बढ़िया है, बिल्कुल ही प्रेशर फील नहीं होता, जस्ट से ओवरऑल कंफर्टेबिलिटी एक्सपीरियंस
अस्टॉन्चिंग। वाटर के लिए IP67 का सर्टिफिकेशन दिया है, तो थोड़ा बहुत पानी के अंदर ये कुछ नहीं होने वाला। ऑब्वियसली मैंने इसको पहन के स्विमिंग नहीं किया, सर्टिफिकेशन मिलता है आपको एक ट्रस्ट बन जाता है। बट पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, किसी भी ऐसे बजट स्मार्ट वॉच को ज्यादा पानी के अंदर समंदर में यूज मत करना, डैमेज होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा रहता है। बैटरी के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं किया, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये कॉलिंग स्मार्ट वॉच है जहाँ पे बैटरी बहुत ही ज्यादा ड्रेन होता है। इसके अंदर एक फिजिकल स्पीकर दिया है, उस हिसाब से फोन कॉल वगैरह मैंने रेगुलरली यूज किया और मुझे 5 to 6 days बैटरी बैकअप मिल गया। ऑब्वियसली 5 to 6 days से एक दिन भी जा सकता है अगर आप ज्यादा फोन कॉल यूज करते हो, ये हार्श रियलिटी है। जस्ट वॉच की तरह अगर आप यूज कर सकते हो तो बहुत ही ज्यादा दिन जाएगा। तो आप क्वेश्चन था क्या मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, जी मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। ऑल इन वन एक पैकेज मिल रहा है ओनली 2000 के अंदर, लाइट वेट डिजाइन, 120+ स्पोर्ट्स मोड, एंड स्पोर्ट्स मोड होना बहुत ही बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन भी करना पड़ता है जो बहुत ही सही तरीके से फायरबोल्ट ने किया है। नॉर्मल यूजेस पे 6 days बैटरी बैकअप, एंड जो इसका मेन USP है फोन कॉल ब्लूटूथ कॉल आप इससे कर सकते हैं। तो यस मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। रेटिंग्स की बात करूँ तो मैं इसको देना चाहूंगा 4.3 out of 5।